नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज बायोलॉजी का एग्ज़ाम सभी विद्यार्थी देकर के आए हैं और सभी के बीच ये होड़ लगा होगा कि मेरा कितना उत्तर सही है। तो चलिए, आज मैं 70 में 70 प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर बता रहा हूँ। आप अपने उत्तर से मैच कर लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया है। चलिए, बिना समय का वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम वायो के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। मेरे पास सेट ए है, चाहे आपके पास जो भी सेट हो, क्वेश्चन सेम है, केवल नंबरिंग चेंज किया गया है। आप फटाफट मिलाते जाइए, मैं आंसर बताते चलता हूं। सबसे पहला है एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एना बेना के साथ बनाता है। एना बेना ऑप्शन बी सही होगा। अगला, टैपिटल कोशिका दर्शाती है। टैपिटल कोशिका दर्शाती है तो ये कोशिका समसूत्री कोशिका विभाजन को दर्शाती है। ऑप्शन ए सही है। फटाफट मिलाइए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है तो गुरु बीजाणु बनता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी विद्यार्थी भी मिला लें। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है वह है, तो मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है वह है गाय। ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्जिकाय में होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है तो याद रहे, मनुष्य में अपरा का निर्माण कोडियोन द्वारा होता है। कोडियोन ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है तो आपका आंसर होगा जनक कोशिका के विभाजन से होता है। ऑप्शन सी सही है। जब जयांग में स्त्री केश एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, वह कहलाता है युक्तांडे, युक्तांडपे। ऑप्शन बी सही होगा आपका। नेक्स्ट है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। दाद की बीमारी किसके द्वारा होती है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। यह दाद, खाज, खुजली जो भी है, यह कवक से होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है तो एड्स का आनुवांशिक पदार्थ होता है एक कुंडलिन आरएनए। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है तो राइजोबियम करता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन ए सॉरी राइजोबियम ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, फ्रेंकिया है। फ्रेंकिया क्या है आपको बताना है। जैव उर्वरक, प्रतिजैविक, विषाणु समुदाय या बी और सी दोनों। तो फ्रेंकिया जो है वह जैव उर्वरक है। ऑप्शन ए सही है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है तो वह अवेग भी है और नाकफनी भी है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी, शैलक्रमक होता है। शैलक्रमक कौन होता है तो शैलक्रमक याद रहे वह जीव रहित भी होता है और नग्न चट्टानीय प्रदेश में भी पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है तो त्वचा का रंग है। ऑप्शन बी सही है। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है तो युग्म विकल्पी कहा जाता है या इसको एलील भी बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है तो याद रहे फिब्रोइन होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीन किसकी किस्में हैं। लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीन किसकी किस्में हैं ये बताना है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये मक्का की किस्में हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है बताना है तो आपको पता होगा यह जो है मीटोस्पोर भी बनाता है और मियोस्पोर भी बनाता है, ए और सी दोनों। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निषेचन आंतरित होता है। निषेचन आंतरिक किस्में, आंतरिक निषेचन होता है
ये आपको बताना है। तो सार्क में होता है आंतरिक निषेचन, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है, तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत उत्परिवर्तन है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह संकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, मिमिक्री की उपयोगिता है, मिमिक्री की उपयोगिता क्या है, तो मिमिक्री की उपयोगिता जो है वह है छिपने के लिए, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कवक मूल एक सहजीवी संघ है, कवक मूल एक सहजीवी संघ किसका है ये बताना है, तो यह शैवाल तथा कवक के बीच का है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक आश्रय होता है, तो पारस्परिक आश्रय जो होता है वो होता है हर्मिट क्रैब तथा समुद्री एनीमोम के बीच, ऑप्शन डी सही होगा आपका। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का पीएच, काफी पॉपुलर क्वेश्चन, ये सारे बच्चे बच्चे को पता होगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, 5.6 होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, तो आपका आंसर होगा SO3 PN तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होता है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होता है, ये जो है अधिवृषण में होता है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला, निम्न में कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है, गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित कौन होता है ये आपको बताना है, तो वह है मोरूला, ऑप्शन ए होता है, ब्लास्टोसिल कभी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, तीसरा नंबर देखिए, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है या एमनियोटिक गृह में होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, मनुष्य के विकास की आयु किससे मापी जाती है, तो कार्बन दिनांक, कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन बी सही है। कार्बन डेटिंग पद्धति सारे बच्चे पढ़े होंगे, डायनासोर है, डायनासोर क्या है, तो डायनासोर जो है यह विलुप्त सरीसृप है, ऑप्शन बी सही है। सीनोजोइक युग जाना जाता है, सीनोजोइक युग जाना जाता है, तो वह जो युग है वह स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल है, ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं cDNA, ऑप्शन डी सही होगा आपका। नेक्स्ट, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो वह है टैग पॉलीमरेज, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम से खंडित होता है, तो न्यूक्लिएज, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, तो ये सब जो है अभिव्यक्त करते हैं समजात अंग, ऑप्शन डी सही होगा, समजात, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट, PCR तकनीक के दौरान SSDN के प्राइमर्स के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापानुशीलन कहलाती है, यह PCR की एक प्रक्रिया है। निम्न से कौन RDT का साधन नहीं है, RDT का साधन कौन नहीं है ये बताना है, तो देखिए इसमें है इंट्रांस, यह जो बी ऑप्शन है यह नहीं है RDT का साधन, संवाहक प्रतिबंधन या पॉलीमरेज, तीनों RDT का साधन है लेकिन बी नहीं है। 40, टैंक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, टैंक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है, तो थर्मस अवाटिक से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 41, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला, एमनियोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, एमनियोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है एमनियोटिक द्रव द्वारा, एमनियोटिक द्रव से एमनियोसिंथेसिस एक जांच की प्रक्रिया है जिसे भ्रूण का जांच होता है, भ्रूण और अनुवांशिक दोष को पता लगाते हैं एमनियोटिक द्रव से। कॉपर टी क्या कार्य करता है, कॉपर टी क्या कार्य करता है, तो ये जो है निषेचन को रोकता है, कॉपर टी क्या करता है, शुक्राणु अंडाणु को मिलने नहीं देता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट,
जननांग माशा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है, जननांग माशा किसके द्वारा फैलता है, तो पैपिलोमा विषाणु से फैलता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, डीएनए पुनर्योग्य तकनीक उपयोग करता है, डीएनए पुनर्योग तकनीक क्या उपयोग करता है, तो ये उपयोग करता है क्लोनिंग संवाहक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए जेल वायु संचलन, इनमें सभी होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी। अगला है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा सवाक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग करता है, सवाक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कौन करता है, तो जो करने वाला वो है प्लाज्मिड, ऑप्शन सी सही होगा आपका। निम्न से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है, ब्लंट सिरा कौन उत्पादित करता है, तो वह करता है इको आरवी, ऑप्शन बी सही है। अगला, निम्नांकित में कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तकनीक नहीं है, स्वस्थानीय संरक्षण तकनीक कौन नहीं है, तो वह है वनस्पति उद्यान, ऑप्शन ए सही है। हुलैक हुलॉक गिब्बन पाया जाता है, हुलॉक गिब्बन कहां पाया जाता है, तो यह पाया जाता है काजीरंगा पंछी अभ्यारण में, ऑप्शन डी सही है। एंटीलॉप सेरवी कापरा क्या है, सेरवी कापरा क्या है, तो ये जो है ये आपका गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति, ऑप्शन डी सही होगा आपका। अगला, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजाति कौन है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजाति कौन है, तो उसमें सुविध्य है, आपत्तिग्रस्त है और संकटग्रस्त, तीनों इसमें है, यानी ऑप्शन डी सही होगा इनमें सभी। नेक्स्ट, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप एनसीईआरटी के अनुसार मिलाइए, वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा, एनसीईआरटी में 3 दिसंबर ही दिया है। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है, परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह सेरोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ए सही है, सेरोलॉजी। नेक्स्ट, 55, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो कुष्ठ रोग होता है माइकोबैक्टीरियम द्वारा, ऑप्शन सी सही है। निम्न कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है, विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी कौन है, तो वह है खसरा और रेबीज, ऑप्शन बी सही है। पूसा सुभरा एक किस्म है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, पूसा सुभरा यह फूलगोभी का एक बीज है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है, बिना निषेचन का पौधा यह होता है, याद रहे, ग्राफ्टिंग और प्रत्यारोपण दोनों से, ऑप्शन डी सही होगा, ये और भी दोनों। ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उनमें होता है, इनमें क्या होता है, तो इनमें होता है 42 गुणसूत्र होता है, ऑप्शन डी सही होगा। शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल क्या है, तो वह है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी सही होगा, लिम्फोसाइट्स। अगला है, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन है, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन कौन है, तो है वात स्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, या वात स्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है, तो यह मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी सही होगा आपका। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा मीथेन उत्पादन करता है, कौन जो है वह मीथेन बनाता है, तो आपको पता होगा धान के खेत में मीथेन गैस निकलता है, इसलिए देखिएगा जब लोग क्या करते हैं, दारू का श्रावण करते हैं, तो उस बोतल को धान के खेत में रख देते हैं ताकि मीथेन गैस उसमें अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए और नशा हो। कार्बोनोक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषक है, कार्बोनोक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषक है, तो आपका आंसर होगा यह वायु का प्रदूषक है, हवा को प्रदूषित करता है कार्बोनोक्साइड। निम्न से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, तो वो होगा डीडीटी और पारा दोनों, यानी ऑप्शन सी सही होगा आपका। अगला, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिमाण है, सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिमाण क्या है, तो होगा जीन उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला, हेरोइन है, हेरोइन है, तो जो हेरोइन है वह है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ऑप्शन सी सही होगा। अगर आप प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी होगी
और परीक्षा खत्म होते ही स्पोकन इंग्लिश चालू किया जाएगा। डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पेंटोसेस। ऑप्शन बी सही है। अगला, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो आपको याद होगा एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तब होता है, तब होता है इसका विकुंडलन हो जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। तो 70 में 70 प्रश्नों का सही सही उत्तर आपको मिल गया है, आप मिला लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी मिला लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज समझ दूंगा हिंदी का वीडियो जो कल एग्जाम है और उसमें से टोटल लड़ जाएगा। चलिए मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्यारे छात्रों।